मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शमीम नाम के एक लड़के की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक होटल के अंदर चाय बेचने वाले इस लड़के की हत्या कर दी गई है। मामला भिवंडी के नायगांव का है, जहां एक होटल में चाय बेचने वाले 25 साल के शमीम नाम के एक लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या की जानकारी जब सुबह के वक्त लोगों को लगी तो उसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर शमीम की हत्या किसने और क्यों की है, ये पुलिस जांच में ही सामने आएगा। वहीं शमीम के करीबियों से बातचीत की है हमारे सहयोगी फिरोज मेमन ने। इस हत्या को लेकर क्या कुछ करीबियों ने बताया है आपको सुनाते हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिराज अंसारी है। हाँ। क्या होता है मिराज, में थोड़ा सा बताएंगे? जो मामला था रियाज होटल का मामला है, रियाज होटल जो है वो मेरी होटल है जी जी। वहाँ पर शमीम नाम का बंदा चाय बनाने वाला, हमने उसको काम पे रखा था कि मेहनताना जो भी रहेगा काम पैसा हम लगाए थे होटल में, उसकी मेहनत की जो भी रहेगा आधे आधे पे हमारा ऐसा था मुआवजा था उसके साथ। तो 8 से 10 दिन हुआ था काम चालू होके जी। तो डेली रात में वो 11 बजे होटल बंद कर देता था, कल रात में उसने 10 बजे होटल बंद कर दिया। तो अब हम लोग सो रहे थे, अब सुबह 7 बजे या 8 बजे के करीब कुछ भी टाइम में फोन आया कि तुम्हारी होटल का जो शमीम करके बंदा था उसका मर्डर हो गया है। अब वो नींद में एकदम चौंक गया आदमी, क्या हो गया, बिना ऐसा उड़े सुडे सब वहाँ भागे होटल पे। तो वहाँ देखे तो जाके शटर बंद था, तो फिर वहाँ पे हम जब पहुंचे तो वहां तक पहुंचने तक हमारे पुलिस आ चुकी थी। अच्छा। तो वहां पहुंचे, हमको सदर के पास जाने नहीं दिया गया वहां पे। तो फिर हमसे पूछा गया कौन है तुम, बोला सर हमारी होटल है। तो उन्होंने हमसे राय मशवरा किया, पूरा बैठक बैठा के तहकीकात वगैरह किया गया। तो बाजू में बिस्ती वाले को हमने बुलाया कि क्या हुआ भाई, तू रात में बैठे रहता है यहाँ पे, क्या मसला रहते रहा। तो बिस्ती वाले ने कहा कि हमको कि रात में 10 बजे 9:30 बजे उसने खाना खा के हमारे पास से चला गया। तो फिर लड़के के भाई से भी बात हुई, तो लड़के के भाई ने बोला कि रात में 12 बजे तक के हमारे भाई से बात हुई थी शमीम से, जिसका मर्डर हुआ फोन पे बात हुई थी। तो फिर सुबह 7 बजे फिर हम लोग जब पहुंचे, जब खबर आई सटर उठाए, तो पहले सुबह दूध वाला आया, दूध वाला सटर ठोका वहाँ पे। पहले उसके साथ में किसी की दुश्मनी वगैरह थी? पहले ऐसा दुश्मनी किसी, बहुत अच्छा लड़का था वो, सबके साथ अच्छे स्वभाव में था। अच्छा। अभी अल्लाह जाने क्या मसला हुआ क्या मसला नहीं हुआ कि अचानक से ऐसा हादसा पेश आ गया सामने। तो कोई दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई शक होगा ना? कोई शक नहीं, पुलिस ने पूछा कोई शक वगैरह नहीं, अच्छा लड़का था, इसके वजह से आदमी दो पैसा उसके पीछे इन्वेस्ट करते हैं। और खराब लड़का रहे तो उसके पीछे कौन इन्वेस्ट करेगा? सही बात, सही बात। तो इसके वजह से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। अब वो अल्लाह जाने, अब अल्लाह को मालूम है किस वजह से उसको मारा गया। अब पुलिस तहकीकात कर रही है। फिलहाल अभी यहाँ पे जो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई, तो क्या बोल रहे कब तक पोस्टमार्टम हो जाएगा? पोस्टमार्टम के लिए हम लोग यहाँ पे लगभग 10 से 11 बजे के बीच में आए हैं, तो जब से अभी यहीं पे है, अभी पंचनामा वगैरह हो गया है, शांति नगर सेक्शन में FIR वगैरह की तहकीकात चालू है। तो अभी डॉक्टर वगैरह सब गए, अभी कुछ देर में रिजल्ट देखो क्या।